उस ज़माने में ये नया नया फ़िरका शुरू हुआ था बत्रिया का, ये नया फ़िरका था उस टाइम पे, कुछ नया लोग फिक्र नई फिक्र लेकर आए थे, उस ज़माने के एतबार से नई थी। और इनका नाम भी जो बत्री पड़ा वो जैद इब्न अली यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के भाई जैद, जनाब जैद ने उनको ये नाम दिया बत्री का। क्यों ये नाम दिया बत्री का? बत्री किसको कहते हैं पहले वो समझ लेना बहुत जरूरी है। बत्री का मतलब वो होता है कि जो अबतर होता है, और उसके बहुत सारे मानी अरबी में होते हैं कि मसलन जिसका अकीदा कमजोर हो, जिसका अकीदा नाकिस हो, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं हो वो, और जैसे अबतर मसलन उस आदमी को बोलते हैं जिसकी औलाद ना हो उसको अबतर कहते हैं अरबी में, वो जानवर जिसकी दुम ना हो उसको भी अबतर कहते हैं, इस तरह अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ जो हम लोग जिस मीनिंग को लेंगे, जिस माने को लेंगे वो ये है कि जो रिवायात में इस्तेमाल किया, और कई मरतबा हदीसों में ये लफ्ज़ आया है बत्रिया का, कई मरतबा इनको ये नाम दिया जनाब ज़ैद इब्न अली ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के प्रेजेंस में, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम खामोश थे यानी उन्होंने भी यानी उनका कंसेंट दिया, यानी वो राजी थे इस लकब से। जब कसीर इब्न नवा और दूसरे लोग बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इमाम के सामने कहा कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, आल अली से मोहब्बत करते हैं, इमाम ने कहा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो अली के दुश्मन है यानी जिन्होंने हक गज़ब किया खिलाफत अली अलैहिस्सलाम का, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उनके दुश्मनों से भी दुश्मनी करते हैं। अजीब है, ये कैसे हो सकता है? अली से भी मोहब्बत करें और अली के दुश्मनों से भी मोहब्बत करें। तो फौरन जनाब जैद ने कहा इसका मतलब तुम जनाब जहरा से दुश्मनी कर रहे हो, क्योंकि जिन्होंने अली का हक गस्प किया उन्होंने जनाब जहरा से दुश्मनी की। ये रिवायात किताबों में मौजूद है। तो जनाब जैद ने कहा तुम बत्री हो, बतरकुमुल्लाह, तुमने अपने अकीदे को नाकिस किया, अल्लाह तुमको इसी तरह नाकिस करे। इमाम खामोश है, इमाम ने जनाब जैद से कहा कि ये क्यों कह रहे हो, ये गलत है, इस तरह नहीं कहो। नहीं, इमाम की खामोशी और इमाम का सुकूत बता रहा था कि इमाम जनाब जैद के इस कौल से राजी थे। बतरकुमुल्लाह, तो उनका नाम पड़ गया बत्रियों, तब से बत्रिया या बुत्रिया, कुछ लोग बुत्रिया कहते हैं, कहीं बत्रिया लिखा। बहरहाल तो ये दो आदमी यानी इनका अकीदा नाकिस था, ये कभी यानी इनकी भी तारीफ करें उनकी भी तारीफ करें, दोनों की तारीफ करें, यानी अली अलैहिस्सलाम की भी तारीफ करें जिन्होंने अली का हक गस्प किया, उनकी भी तारीफ करें।